नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अनमैरिड डॉटर है सर्कुलर 568 का अरियर क्लाइम करके सीबी ग्राम का थ्रू में सर्कुलर 568 का अरियर क्लाइम करके उन्होंने 1,68,847 रुपीस उनको एलटीए अमाउंट मिला हुआ। इस अमाउंट मिलने के लिए उन्होंने जो भी प्रोसेस किया हुआ उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। और अनमैरिड डॉटर का अलावा विडो डॉटर, डिवोर्स डॉटर, चाइल्डलेस विडो और डिसेबल्ड चाइल्ड जो भी है उनको भी फैमिली पेंशन का एलिजिबिलिटी है, जो उन्होंने भी कैसे करना और ओवर पित्री का एलटीए भी आप लोग कैसे ले सकते करके इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। उसके पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को पहले बार देखने वाला चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा पहुंच भाइयों के लिए इस वीडियो को शेयर कर लेना। अनमैरिड डॉटर ने क्या 1,68,847 रुपीज उनको सर्कुलर 568 का अरियर मिला हुआ। यह सर्कुलर 568 है, 2006 में एक पेंशनर के इतना पेंशन मिलना करके एक सर्कुलर था, उसमें हम अलग से बात करेंगे सर्कुलर 568 का बारे में। दूसरा चैनल चला रहा था, वो चैनल में जो वीडियो है उसको देख के ये सर्कुलर का अमाउंट जो क्लेम करके इन्होंने सीपी ग्राम का थ्रू से ये अमाउंट मिला हुआ उनको। जो ये अनमैरिड डॉटर का अलावा डिवोर्स डॉटर भी ले सकते हैं, विडो डॉटर भी ले सकते हैं और डिसेबिलिटी चाइल्ड जो भी है उनको भी ये एलिजिबिलिटी है, जो भी पेंशनर के लिए हकदार है। मतलब जो पेंशनर भी नहीं है, फैमिली पेंशनर भी नहीं है, तीसरा जो फैमिली पेंशन लेने वाला डिफंडेड पेंशनर, डिवोर्स डॉटर है, अनमैरिड डॉटर है, विडो डॉटर है, डिसेबिलिटी चाइल्ड है और चाइल्डलेस विडो। चाइल्डलेस विडो का मतलब है लड़का शादी करके दो तीन साल में डेथ हो जाता है, उन दोनों को कोई बच्चा नहीं है, वो औरत दूसरा शादी कर लेते हैं उनके लिए दूसरा जो परिवार हो जाता है, फिर भी जो पहले वाला जो पति है वो मर जाता तो उनका जो पेंशन है चाइल्डलेस विडो जो है उनके लिए पेंशन मिलेगा। उनका भी कुछ अमाउंट है जो मंथली इनकम है वो इतना ही रहना करके एक कुछ कंडीशन है, सो उसके हिसाब से रहने से उन्होंने डॉक्यूमेंट प्रोसेस करके चाइल्डलेस विडो का भी पेंशन ले सकता है। जो अभी जो बात कर रही है अनमैरिड डॉटर का है, इनका 2019 में क्या हो गया, पेंशन स्टॉप हो गया, क्योंकि उनका आफ्टर मैरिज जो मैरिज के बाद उनका पेंशन स्टॉप हो गया। 2019 में उनका शादी हो गया था, उसका पहले 25 साल तक उनका पेंशन मिल रहा था, 25 साल होने के बाद उनका पेंशन भी स्टॉप हो गया, लेटर वगैरह डाल के दोबारा उनका पेंशन शुरू हो गया। अनमैरिड डॉटर का जो पेंशन था वो ले रहा है, सो उसका हिसाब से उनका 2019 में बंद पेंशन स्टॉप हो गया। इन्होंने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला था लाइफ टाइम अरियर के लिए, एलटीए के लिए, उसका हिसाब से इन्होंने ओआरपी 2 का भी अरियर लिया हुआ, क्योंकि 2019 तक उनका पेंशन मिल रहा था, 2019 कुछ महीने में जो भी पेंशन उनको मिल रहा था उतना महीने का अरियर इन्होंने लिया सीपी ग्राम में ग्रीवेंस डाल के। दूसरा क्या सर्कुलर 568 का अरियर मिला हुआ, अभी आपने स्क्रीनशॉट देखा कितना अमाउंट मिला हुआ करके। तीसरा इसी तरह जो भी है वो और पित्री का भी अरियर आप लोग ले सकते हैं, जो 2019 के बाद अभी एक दो 2024 तक जितना भी पेंशन ले रहा था, अभी आपका पेंशन कुछ कारण से, उदाहरण के लिए अभी अनमैरिड डॉटर था, इन्होंने शादी कर लिया, इसी तरह कोई पेंशनर है, शादी होने के बाद पेंशन स्टॉप हो गया, लेकिन आपका जो ओवर पित्री में रिवेश होने के अमाउंट जो है आप ऑलरेडी जो पेंशन लिया हुआ उससे ज़्यादा रिवेश हुआ वो अमाउंट आपको मिलना है, तो आप पक्का ये एलटीए को क्लेम करके आप ले सकते हैं। सो इसी तरह आपने सीपी ग्राम में ग्रीवेंस डाल के पेंशनर फैमिली पेंशन जो चीज़ का जो भी सर्कुलर का नहीं तो जो भी पेंशन रिवेशन का अमाउंट आपको नहीं मिला वो अमाउंट को आपने सही डॉक्यूमेंट पुटअप करके आप अपना माँ बाप का जो पेंडिंग अमाउंट है वो आप एलटीए के माध्यम से आप ले सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही है, इस वीडियो के बारे में आप कुछ भी बताना तो पूछना तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमने दूसरा चैनल में फैमिली पेंशन के बारे में करीब 100 से ज़्यादा वीडियो डाला हुआ, अगर आपको तमिल समझ में आएगा तो वो चैनल देख के, वो चैनल में जो वीडियो है वो देख के अपना क्लेम कर सकते हैं। उसका अभी जो जो हम फैमिली पेंशन के बारे में उस चैनल में बात किया हुआ वो एक एक वीडियो हम लाएंगे, क्योंकि ये चैनल अभी नया शुरू किया हुआ, धीरे धीरे से वो पूरा हम इस चैनल में भी हम हिंदी में वो वीडियो को लेके आएंगे। पहले बार चैनल देखने वाला चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को पहुंच पाने के लिए शेयर करना। सो इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद, इसी तरह दूसरा वीडियो मिलेंगे, नमस्कार।